और इग्नो के एडिशनल डायरेक्टर सर हरिंदर भाई जी, वीरेंद्र भाई जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, आप लोगों को अभी जो बताए, जो हम तो कोई ब्रह्मचारी नहीं है, हम पूर्ण गृहस्थ जिंदगी में जीते हैं, हमारे बच्चे हैं और हम साथ ही रहते हैं। अभी कुछ दिन मुझे इसके बारे में पहले से भी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक से ये पूजा दीदी मेरे ऑफिस में आई थी और इन्होंने कहा कि आप माउंट आबू चले हमारे साथ में। एक बार इनका प्रोग्राम मेरे साथ बना, मैं बोली थी जाऊंगी भी, लेकिन अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गया, तो काम की अधिकता है पूरे बिहार राज्य की, स्टेट लेवल की सर्विस है, तो प्रॉब्लम होती रहती है। फिर मैंने जाने से एक बार मना कर दिया, दोबारे जब इन्होंने कहा तो जब टिकट कराने की बात आई तो अचानक सा हुआ कि नहीं नहीं, अभी बहुत ज्यादा वैकेंसी हो रही है, इस समय में हम अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। अचानक से मैं रात में थी तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, मैं ही क्यों हमेशा प्रॉब्लम में फेस करती रहूं, एक बार तो समय निकालना चाहिए। और मात्र दो दिन पहले मैंने डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगी, और मतलब टिकट भी आसानी से मिल गया और मैं चली गई। मैं 2 बजे रात में, 3 बजे रात में वहां पर पहुंची थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी अलौकिक जगह में आ गई, और ये एहसास शायद मुझे ऐसा लगा जो मेरे बोलने से आप लोगों को नहीं होगा, वहां जाकर के एहसास करने की चीज है, जो अचानक से ये फीलिंग बदल गई हमारी जिंदगी की। जो ऐसे भी लोग रहते हैं, हम तो पूरे जिंदगी इस समाज में, इस मतलब ऐसे जगह में, ऐसे समाज में थे जहाँ पे प्रतिदिन मतलब 100 लोगों आते हैं, 100 लोगों के बीच में 100 तरह की बातें, 100 तरह का रिएक्शन, कभी किसी का निगेटिव, मैक्सिमम निगेटिव रिएक्शन, क्योंकि हर किसी का काम तो इंसान एक दिन में कर नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं किसी से काम छूटी जाती है, तो हमेशा निगेटिव रिएक्शन, और उस निगेटिव रिएक्शन को लेके मैं घर भी जाती थी तो हमेशा बस मैं वही सोचती रहती थी, उसका काम मैंने क्यों नहीं कर पाया और वो मुझे इस तरह से क्यों बोला। लेकिन जब मैं वहां गई और वहां जाके जो अचानक सी फीलिंग्स आई, उस फीलिंग्स के बाद अब मैं जब किसी का कोई काम नहीं करती हूँ या मेरे से नहीं हो पाता है, तो मेरे दिमाग में एक बात आ जाती है, शायद उसका काम होना ही नहीं था, ईश्वर ने ही ऐसा किया होगा जिसके कारण आज उसका काम हमसे नहीं हो पाया। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि उसका काम हो जाए, लेकिन ये ईश्वर की ही बनाई हुई चीज है, जिसमें बहुत कोशिश करने के बाद उसके लिए ये काम संभव नहीं था, इसीलिए नहीं हुआ। और मैं करीब एक महीना होने जा रहा है, उसके बाद से मेरे अंदर कोई निगेटिव बातें नहीं होती हैं, और मैं बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होती हूँ। अचानक से कोई भी प्रॉब्लम भी आती है तो मैं सोचती हूँ चलो ये होना ही था, और ये आई है तो इसलिए कुछ ना कुछ मुझे सिखा के ही जाएगी, इसलिए मेरे अंदर की वो निगेटिव बातें खत्म हो गई। और मैं तो इन लोगों के बहुत ही आभारी हूँ जो बहुत कम समय में मुझे मुजफ्फरपुर आने का मौका मिला था। मैं घर जाकर के उनसे मिली, इनसे हम अपने मतलब इनके जो ज्ञान के सरोवर है, मतलब उसकी एक तिनका ही हमारे लिए काफी था। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बहुत चीज समझा दिया मुझे, मात्र 5 या 7 मिनट की हमारी इनके साथ में बैठ करके बात की थी। और दूसरी बात, जो इन्होंने इतने ही कम समय में इतने बड़े आयोजन का, ये तो आयोजन बस एक ईश्वरीय
कल्पना होती है और साथ ये आयोजन हो जाता है, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है जो कुछ दिन के अंदर इतने लोगों को बुला करके और इतने लोगों को इतने अच्छे से सम्मान दे करके। जो मैं माउंट आबू में देख के आई, किसी सिंगल आदमी से या किसी मतलब एक समाज से भी संभव ना हो, जो काम वहाँ पर इतना आसानी से इतनी सुविधा से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं, जो पहली बार जाते हैं उनको भी, जो बार बार गए हुए हैं उनको भी, सभी चीज एकदम स्मूथ, किसी में किसी तरह की कोई राग द्वेष नहीं, बहुत ही साधारण ढंग से एकदम से अलग दुनिया का एहसास होता है। और इतने बड़े आयोजन में मैं वहाँ का एक सदस्य बन के गई और आज उन्होंने पहली बार यहाँ पर मुझे मतलब मंच पे बैठा दिया, तो ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जो मैं ऐसे, जो कि मैं हूँ ही नहीं, इससे रिलेशन ही नहीं था मेरा, मैं सिर्फ एक बार गई और मात्र पूजा बहन से दो या तीन बार मिली, इसके बाद ही मेरे अंदर इतनी बदलाव हुआ और यहाँ बार बार आने का मौका मिला। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि चूंकि मेरी जिंदगी तो बीत चुकी है, तो मैं आप लोगों की तरह तो नहीं हो सकती, लेकिन इनके यहाँ के जो आदर्श हैं, जो बातें हैं, वो मैं बचे हुए लाइफ में पूर्णतः उतारने की कोशिश करूंगी। ये हम आप लोगों से बात करते हैं और आगे भी मुझे इस तरह के प्रोग्राम में जब मौका मिलेगा, मैं समय निकाल के जरूर कोशिश करूंगी। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आप लोगों को ऐसे जगह पे आने के लिए। धन्यवाद।